माशाल्लाह जी हमारे बहुत ही प्यारे और छोटे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। की हाल चाल है, सब ठीक ठाक है? आज ईद का दूसरा दिन है, कल था ईद का पहला दिन और कल ये सारे मेरे दोस्त हैं, इन सब ने मेरे साथ मिलकर बहुत इंजॉय किया, लेकिन ये दहशतगर्द कल लपाई नहीं। मारो एक एक सारे जने, मारो एक एक सारे जने, खर्च तो बहुत। कल हम सब दोस्तों ने इंजॉय किया, लेकिन ये अकेला घर जाके सोया रहा, तो आज इसको उस चीज का जुर्माना होगा। ये सब लोगों को पार्टी करवाएगा जहां हम लोग कहेंगे। ओके। तो सब लोग जाने के लिए रेडी हैं। अभी आज की पार्टी जाफा की तरफ से होगी। ईद की नमाज पढ़ के जाके सारा दिन सोया रहा, शाम को हमें कॉल करके कह रहे तुम चंगा नहीं किया, मेरे नाल ले गए जगह तरह सवेरे बना के सूत्र। हां जरा चलो। ओके, आजा आजा। मेरे ख्याल ईद कपड़े लेना तो बने ना सुता रहे तो और हमारे साथ अबू जान भी जा रहे हैं और उस्ताद जी भी जा रहे हैं पार्टी करने। उस्ताद जी को भी रिश्ते से लेना है और अबू जान भी साथ जा रहे हैं। और पार्टी करने किथे जाना जे? बोटियां 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 भाई यार, हम लोग ना बस जाफा को तंग कर रहे हैं। हम लोग पार्टी करने के बाद घर आके जाफा को अपने हिस्से के पैसे दे देंगे, लेकिन उसे तंग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा ना करे। उतरो आज लोगे, उतरो। हम लोग जंगल में एंटर हो गए हैं, यहाँ पर उस्ताद जी का फार्म हाउस है, यहाँ से उस्ताद जी को साथ लेना और फिर चलेंगे जफरवाल पार्टी करने। उस्ताद जी के फार्म हाउस में पहुंच गए हैं, वो उस्ताद जी खड़े हैं और उनको साथ लेते हैं यहाँ से। उस्ताद जी मुबारक। उस्ताद जी बड़े सोहने लगने माशाल्लाह। और इसका नाम डोली है, उसका नाम लोली है, नाम चेक करो। उस्ताद जी को साथ ले लिया। हमारे पास पांच बाइकें हो गई हैं और बंदे जाकर के जा पता ना को बिल बन जाना ना पक्का पक्के सो जाना। मुड़ के नहीं उठता आज। आ यार एक बंदे दे ना ना लोड पाओ। उस्ताद जी नहीं, घर जाके ना देख रहा तो अपने से पैसे। अच्छा। पर इतने डराना भी तो है। जफरवाल पहुंच गए हैं, होटल में हम लोग पहुंच गए हैं। अभी यहाँ से हम लोग खाएंगे कुछ बड़ी तो चेक करें अच्छे लाल हो गया नहीं। 20,000 तो नहीं मेरे बंद। हम लोग इस होटल से ना एक बार पिज्जा खा कर गए थे और इतना मजा आया था, तो आज हम लोग स्पेशल यहाँ पर पिज्जा खाने आए हैं। और उस एक पिज्जे की प्राइस है 10,000 रुपए, जो जाफा देगा। आज कितने खाने हैं? आज चार पाँच तो खाएंगे उस्ताद जी। काली साहब लाल कर दो फौजी के मुंडे का। हमें जिना लाल कर दो। आ गए से ईद वाले दिन सोओगे? यार इतना मैं खा गया हाँ पिज्जा, ते बड़ा स्वादी लगा है, वो पिज्जा चाहिए सानू। एक अपना स्पेशल, एक मलाई ते एक अद्धा अद्धा। हास दे चारा दा है, मतलब नहीं होता कि वो अंदर खुश ने। कैलकुलेटर मारन दिया आज। ये पिज्जा है 11,000 रुपए वाला, ये 12,000 वाला है और माशाल्लाह देखें कितने मजेदार पिज्जे। ये वाला पिज्जा हम लोग लास्ट टाइम यहाँ से खा के गए थे, बहुत ही मजा आया था। इस पिज्जा को खाने के लिए दोबारा स्पेशल हम लोग इधर आए हैं माशाल्लाह। कट तो अभी नहीं, ये भी 12,000 का है, इसमें 12,000 वाली क्वालिटी तो जरूर होगी। हमारा यूट्यूब का यही रोल है, कोई भी चीज आएगी ठंडी हो जाएगी खाते खाते वीडियो बनाने के चक्करों में। तू तो आ गया ही, बोटियां खवाऊंगा। पिज्जा आया और तबाही लथनी शुरू हो गई है, और पिज्जे की तरफ देख के किस किस के पानी में मुंह आया कमेंट करके जरूर बताना। यार माशाल्लाह बहुत ही मजेदार है, एंड स्वाद।
हाँ जी आज जारी में आयो खा लो आयो यार बेली देख रो नहीं 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 यार लव यू जूस आ गए थे भैया ए ए भैया ए भैया चटनी चौके ला जी वो उधर मेरा छोटा सा सब्सक्राइबर है माशाल्लाह उसके मेरे ख्याल टांग को कुछ मसला है पर वो आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा तो मैं उसके पास चला जाता हूँ पर आओ जरा रात है। अस्सलामुअलैकुम यार ठीक हो और सब ठीक है अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम भाइयों ब्लॉग देखते हो आप हाँ। मजा आता है हाँ। अब आप मिलने आने लगे थे हाँ जी। आप मुझे बात लगाते यार चलो बैठ जाओ सही हो गया स्क्रीन शॉट ले लेना बाप ठीक है शुक्रिया अस्सलामुअलैकुम इधर वेखो ना सही हो गया ना तो है ही तू बता चंगा भाई फोटो ले ग्यारह हजार रुपया बिल बना है तो वो अभी हिसाब भर दिया तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस अस्सलाम वालेकुम यार क्या की खाओगे कुछ तो ये सब कुछ होगा सही और रात के ढिड भर के फिर आए हम लोग किंगरा पहुंच गए हैं उस्ताद जी यहाँ से अपने घर जा रहे हैं और हम लोग अपने घर ठीक है उस्ताद जी शुक्रिया खैर मुबारक उस्ताद जी मजा आ गया पार्टी करके अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं और टाइम भी लोटे पर लगा हो गया आपके फैन भी आए हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक ठाक है शुक्र अस्सलाम वालेकुम क्या हाल ठीक है और सब ठीक है माशाल्लाह इस वक्त जी लोटे वाले का टाइम हो गया और चंगे रहे हो ना तुम क्या लवाल ला पे हो पेंडू नू भाई जी साइकिल लकड़ी वाले का मैसेज आया है वीडियो लगाने के बाद हम लोग ने साइकिल टूर पे जाना है तो वो कह रहा है कि अगर साइकिल टूर पे गए तो आपको रास्ते में रोक के मैं मारूंगा ठीक हो गया तो उसके बाद साथ हमारे गाँव वाले भी दे रहे हैं तो अगर कल को साइकिल टूर पे या कहीं भी मेरे साथ कुछ होता है तो ये सारे जिम्मेदार हैं ठीक हो गया तो बाकी आप लोग ये वॉइस मैसेज सुने मतलब वो सीधा सीधा मुझे धमकी दे रहा है नहीं आखरी तो नहीं भाई ये अभी इन्हें इदो बाद अपना जरा टूर से जाना ना मैं दस देना वा भी तू इदो बाद साइकिल टूर से आना वे जेलम रस्ते चो निकलना है ते तेन सराय इस तो अगे भाई आ इसने इन गंदिया गालियां निकालिया मैं लगा नहीं सकता तो उसके अलावा बाकी अब मैं पहले कोई एक्शन नहीं था लेना चाह रहा लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा डरना तो अल्लाह पाक से चाहिए मैं कोई इनसे नहीं डरता ना मैं किसी से डरता हूँ बस अल्लाह पाक से डरना चाहिए ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में ये कुछ भी नहीं कर सकते ठीक हो गया बाकी फिर भी अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे कानून के जरिए चलेंगे तो बाकी मैंने एक गल दसो यार तुसी एम भाई एक लख बंदा मैनू वेंदा है तुसी माशाल्लाह हर बार आप अच्छे कमेंट करते हैं इतना मुझे साथ देते हैं हुण जब थोड़ी जी मुसीबत पै गई है ते किथे हो यार किसी की कोई सलाम तो नहीं है वो मैं हूँ उंज पेंडू आर्मी सारी तो हूँ पेंडू कल ही रह गया गल्ला नहीं चंगी है तो जो कुछ है वे कोई सलाम दुआ ला तो करो कोई हल नहीं तो फिर मैं तो फिर चलो दोहरा लानिया पैने मैनू मैं सोच रहा था कि पहले ना कुछ भी करना पड़े ना लेकिन अब ये सीधा धमकियाँ भी दे रहे हैं तो उसके अलावा ये सब चल रहा है तो अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा जो उसने सीधा सुधा मुझे धमकियाँ दी हैं कि साइकिल टूर पाएंगे तेनों खिलार के मारेंगे असर और भी मैसेज आया उसने इतनी गंदी गालियाँ इस तरह के इतने गंदे मैसेज किए ना कि मैं वीडियो के अंदर नहीं लगा सकता बाकी मैं आप सबको बता दूं कि डरने वाली कोई बात नहीं है कानूनी कार्रवाई करेंगे जो भी होगा अल्लाह पाक बेहतर करेंगे बाकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी यारा पता क्या बात है जो अल्लाह पाक ने करना ना होना वो है इनके कहने से या इनके कुछ भी कहने से या वो कहने ना कावा के क्या ढगे मरन लग पे ढगे लाशें पी तो वही मिसाल लगा लें बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेंगे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है टेंशन नहीं लेनी ठीक है भैया तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लेना इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हल निकालते हैं तो ये हमारा आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह पुलिस के पास जाते हैं मेरे पास एक एक चीज़ पड़ी हुई है एक एक वॉइस मैसेज सब कुछ उसके अलावा जो उसने गालियाँ जो कुछ भी कहा है जो उसने मतलब वीडियो बनाई थी फिलहाल तो वो तो मैंने यूट्यूब से बात करके सारा सब कुछ गैप कर दिया ना बाकी डाउनलोड पड़ी है मेरे पास मतलब सबूत के लिए मैंने पहले संभाल ली थी तो अब मुझे हिलना जुलना पड़ेगा भैया पहले मैं कह रहा था यार इन कामों में ना पड़े
अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं तो, लेकिन ये ऐसे नहीं ना बाज आएंगे, तो ये वही बात है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेंगे जो भी होगा। बाकी भाई टेंशन नहीं लेने, फिर मैं दस दा इंशाल्लाह कल मिलेंगे। मैंने सौ जाकर बोला अल्लाह।